हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्रद्धा। आपका मेरे किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेके आज हम बनाने वाले ढाबे स्टाइल में गोभी मटर की सब्जी बनाएंगे, एकदम तरी वाली बनाएंगे। तो देखिए, एकदम मसालेदार, एकदम जैसे ढाबे में बनता है ना, हम उसी तरह से ही बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में, और बन भी जाता है फटाफट से, बन करके तैयार हो जाता है। तो एक बार आप इस तरह से ये गोभी मटर मेरे स्टाइल में ज़रूर बना के देखिएगा। इसके साथ में आप पूड़ी बना लीजिए, पराठा बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, इनफैक्ट गर्मा गर्म राइस के साथ में भी बहुत ही बढ़िया लगता है फ्रेंड्स। तो चलिए टेस्टी टेस्टी हम ये गोभी मटर बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी कर दीजिए, साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम ये आज ये गोभी मटर की इस तरह से सब्जी बनाएंगे, तरी वाली, बिल्कुल ढाबे स्टाइल से बनाएंगे। इसके लिए हमने देखिए ये गोभी ले लिए हैं, ये हमने आधा किलो, ये हमारी करीबन आधा किलो से ऊपर ही है ये गोभी। डायरेक्ट इस तरह से मैंने गोभी का एक फूल ले लिया है। अब हमने इसको इस तरह से तोड़ लिए थे, इसके जो कड़े वाले पार्ट है, मोटे वाले, उसको मैंने निकाल लिए थे। तो अब हम इस तरह से ये एक एक ये गोभी लेंगे, इसको इस तरह से अलग करते जाएंगे पहले। तो हम इस तरह से गोभी को तोड़ लेते हैं, तो हमें इसको बहुत ही बारीक नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। पहले हम ये एक एक ये गोभी इस तरह से निकाल लेंगे। तो हम ये सारा गोभी निकाल ले रहे हैं। अब हम इस तरह से एक एक गोभी लेंगे और ये इस तरह से इसके पार्ट को निकाल देंगे। तो अभी हम गोभी को बहुत छोटे छोटे नहीं रखेंगे, तो इस तरह से थोड़े से बड़े साइज में ही रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से गोभी को बीच से कट लगाएंगे ताकि इसमें अच्छे से मसाले भी चले जाएंगे और अच्छे से पक भी जाएगा। कई बार हम बनाते हैं गोभी की सब्जी तो इस तरह से ये जो नीचे वाले पार्ट होते हैं थोड़े से कड़े होते हैं, तो पकने में काफ़ी टाइम लगते हैं। तो इस तरह से आप ये बीच से कट कर देंगे ना, तो ये इस तरह से जल्दी से पक भी जाएंगे। तो हम ये सारी गोभी को इस तरह से कट लगाएंगे, और जो थोड़े से बड़े साइज में है ये गोभी, इसको हम थोड़े से अलग कर लेंगे। तो इस तरह से हम ये अलग कर ले रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, बस इस तरह से हम इसको रखेंगे। और ये सारी गोभी हम ये कट कर लेंगे। तो मैं सारी गोभी को कट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, सारी हमने गोभी इस तरह से ले लिए, और जो ये थोड़े से इस तरह से सॉफ्ट वाले पार्ट है, इसको भी हम ये कट करके एक बाउल में रख लेंगे। इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम यूज़ करने वाले, तो इसको बारीक कट कर लेंगे। अब हम इस तरह का एक बड़ा बर्तन लेंगे और हम ये गर्म पानी लेंगे। तो हमें गोभी को इस तरह से गर्म पानी में हम डालेंगे। तो मैं पहले गर्म पानी ले ले रही हूँ। अब इसी पानी में हम ये गोभी डालेंगे। इसको भी हमने गोभी को अच्छे से वॉश कर ली थी, तो जो भी इसमें इस तरह से कीड़े अगर होंगे तो ये गर्म पानी में हम डाल देंगे, तो ये इस तरह से ऊपर आ जाएंगे। तो हम ये सारा गोभी इसमें डाल देंगे, और इसमें हम थोड़ा सा ये हल्दी डाल देते हैं, और थोड़ा सा ये नमक भी डाल देते हैं, और इसको अच्छे से चला लेंगे। और इसको हम अच्छे से इस तरह से मिला ले रहे हैं, और इसको हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। थोड़ा सा गोभी को अच्छे से इस तरह से गर्म पानी में, तो ये भी देखिए 5 मिनट हो गया है। तो अब हम ये गोभी इससे पूरा पानी से निकाल लेंगे। तो ये जो भी है इस तरह से हम ये सारे बाउल में निकाल लेंगे, तो सारा गोभी का ये पानी भी निकल जाएगा, और हम ये सारा बाउल में निकाल करके रख ले रहे हैं। तो ये देखिए, हमने गोभी को निकाल लिए हैं। अब इसको आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट इसको आप फ्राई करके भी बना सकते हैं, बट मैं आज आपको कुछ अलग तरीके से बताऊंगी बनाना। तो आज मैं इसको मैरिनेट करके बनाऊंगी। तो इसमें हम थोड़े से कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मैं ये एक छोटा चम्मच ही लाल मिर्च के पाउडर इसमें डाल रही हूँ, और थोड़ा हम नमक डालेंगे इसमें, और बिल्कुल थोड़ा सा हम ये इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये एक चम्मच के करीबन हमने इसमें कसूरी मेथी लिए, इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और बस इसको हम बिल्कुल हल्के से ही इसको इस तरह से मिक्स कर ले रहे हैं, नहीं तो आप इसको टॉस भी कर सकते हैं। पहले हम इसको धीरे धीरे इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम हाथ में लेंगे और इस तरह से हल्का हल्का बस इसको टॉस कर लेंगे। तो बस इस, तो ये देखिए, ये मसाला हमने इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ ऐड करने वाले हैं। तो मैं इसमें डालूंगी इस तरह से 3 चम्मच ये हम बेसन का डालेंगे। तो ये बेसन से बाइंडिंग का भी थोड़ा सा काम करेगा ये। तो बस ये बेसन डालने के बाद इसको हम बिल्कुल इस तरह से अच्छे से मिला लेंगे, और फिर इसको मैं टॉस करूंगी। अब मैं इसको हाथ से ही
मिक्स कर रही हूँ, चम्मच से मिक्स करते बन नहीं रहा था, तो मैं पहले से उसे हाथ में अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। तो हमें इसमें देखिए पानी की भी ज़रूरत नहीं है, इसको हमने गोभी को गर्म पानी में ही डाले थे, तो ये बढ़िया से ये अच्छे से मिक्स हो गया। अगर आपको लगे तो आप इसमें एक चम्मच ऑयल इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये आप देखिए बढ़िया से ये आप देखिए मिक्स भी हो गया, और इसको हम हल्का सा इस तरह से बस ये टॉस भी कर ले रहे हैं, ताकि जो नीचे से भी थोड़े से रहें वो भी ऊपर आ जाए। तो ये हो गया परफेक्ट। ये अब हम चलते हैं गैस की तरफ। अब हमने एक कढ़ाई चढ़ा ली है और इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो मैं बस 2 से 3 चम्मच ये ऑयल डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2-3 चम्मच काफ़ी है ये। अब ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। अब ये ऑयल भी गर्म हो गया है, अब हम ये गोभी इसमें थोड़े थोड़े करके डालेंगे, तो पूरा नहीं डालेंगे, तो हम 2 बैच में फ्राई करेंगे। तो इस तरह से हमें थोड़े से इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे गोभी को। करीबन हमें इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, 60-70% तक ये पक जाए गोभी। तो अब इसको हम टच नहीं करेंगे। अब हम इसको इस तरह से हल्का सा टर्न करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे इसको हम ये टर्न करके अच्छे से दोनों साइड से हम इसको पका लेंगे। ये देखिए इसको हम धीरे धीरे इस तरह से पलटते हुए चला रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया से ये बढ़िया क्रिस्प भी हो रहा है। और ये ऐसे आप इस तरह से फ्राई करके खाएंगे ना, तो आप इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है फिर ये। तो बस इसको हम और 1 मिनट तक इसी तरह से पकने देंगे। अब ये हो गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो हम इसको निकाल करके एक इस तरह से बर्तन में सारे रख लेंगे। तो सारे हम ये गोभी को निकाल ले रहे हैं। अब हम वापस से वही तेल यूज़ करेंगे। आप इसमें चाहें तो 1 चम्मच तेल और ऐड कर सकते हैं, बट मैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाल रही हूँ, ऑलरेडी तेल काफ़ी है। इसमें हमने 3 टेबलस्पून तेल डाले थे, तो बहुत ज़्यादा हमारा तेल नहीं लगा है। तो अब मैं तेल को गर्म कर रही हूँ, इसी में हम ये डालेंगे, एक ये तेज पत्ता डालेंगे और इसी के साथ मैं ये एक मोटी वाली इलायची डालूंगी इस तरह से, और ये 3 ग्रीन इलायची डाल दूंगी। इसी के साथ मैं 3 इसमें लौंग भी डाल देती हूँ, और इसी के साथ 1 छोटा चम्मच हम ये जीरा डाल देते हैं, और इसी में मैं डालूंगी ये मैंने 2 ऑनियन लिए थे, इसको बारीक कट कर लिए, इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको हम अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमारा ये प्याज पक रहा है तब तक मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें। ये हमने लहसुन ले लिए हैं, थोड़ा हमने ज़्यादा क्वांटिटी में लिए, 2 ग्रीन चिली लिए हैं, और हमने एक बड़ा अदरक का बड़ा सा इस तरह से टुकड़ा ले लिया था, उसको इस तरह से काफ़ी पार्ट में डिवाइड कर लिए हैं। अब इसको हम कूटेंगे, तो आप इसको चाहे तो मिक्सर में भी इस तरह से कूट के ले सकते हैं, बट हम इस तरह से कूट करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट भी आएगा। तो बस इसको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ, इसको हमने कूट के डालेंगे ना तो सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया होगा। तो इस तरह से अच्छे से हम कूट ले रहे हैं। तो ये देखिए इसको हमने अच्छे से कूट लिए हैं, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए आप देख सकते हैं ऑनियन का भी इस तरह से कलर भी आप देखिए थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट जैसा ये कलर हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने इस तरह से अदरक लहसुन और ये ग्रीन चिली को इस तरह से क्रश करके रखे, इसको हम ये इसमें पूरा डाल देते हैं। तो आप इस तरह से क्रश करके डालिए, बहुत ही बढ़िया लगेगा, यकीन मानिए आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा फ्रेंड्स, इसका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब इसी के साथ में ही हम इसको पकने देंगे। आप चाहें तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, बट इस तरह से आप ये क्रश करके डालेंगे ना तो इसका जो टेस्ट है वो दुगना हो जाएगा, मेरी गारंटी है फ्रेंड्स। अब ये देखिए मसाले भी थोड़े से पक गए हैं, और ये हमने जो गोभी के इस तरह से थोड़े जो डंठल थे उसको बारीक कट कर ली थी, उसको भी हम इसी में ही डाल देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा पका लेंगे। अब हम थोड़ा सा सूखा मसाला तैयार कर लेते हैं, तो इसके लिए हम इस तरह एक बाउल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये धनिया पाउडर, और इसी के साथ 1 चम्मच ये जीरा पाउडर, और आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और ये हम 1 चम्मच ये रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी इस तरह से चिली डाले थे, ग्रीन चिली भी ऐड किए, तीखा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप इसमें डालिएगा। और इसमें हम ये आधी छोटी चम्मच ये काला नमक डालेंगे, नमक भी आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें ऐड करिएगा, और इसी के साथ आधी छोटी चम्मच हम इसमें चाट मसाला ऐड करेंगे। अब ये सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें सीक्रेट चीज़ ऐड करेंगे, तो आज मैं इसको बिना क्रीम बिना मलाई के इसको बना करके तैयार करूँगी। तो मैं इसमें लूँगी ये 1/2 कप ये दही है, ये फ्रेश वाली दही है, इसमें हम डाल देंगे। ढाबे में भी जनरली होता है कि ये क्रीम और काजू का कम यूज़ किया जाता है,
इस तरह से सिंपल घर के सामान में रखे हुए से आप बना सकते हैं। इस तरह की चीज़ें यूज़ की जाती हैं इसमें। अब इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, तो बस ये हमारा मसाला अच्छे से फिट जाए। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरह से ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब चलते हैं गैस की तरफ। तो ये देखिए, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, ये बढ़िया से ये पक भी गई हैं और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये मसाले तैयार करके रखे थे। तो आप अगर चाहें तो गैस का फ्लेम ऑफ कर दीजिए, या तो आप इसको गैस का फ्लेम को लो कर लीजिए तभी इसको ऐड करिए। तो मैंने फ्लेम को लो कर लिया और इसको हम डालेंगे। कई बार क्या होता है ना, जब ये हम दही डालते हैं ना तो ये फट जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जब ये दही बन डालें तो आप इसको रूम टेम्परेचर में रख दें थोड़ा सा, फ्रिज से इसको आधे घंटे के लिए बाहर निकाल लीजिए। तो कई बार क्या होता है, ये गर्म रहता है तो दही फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हम इसको पहले मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम इसी तरह से चलाते हुए इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये अच्छे से पक ना जाए और ऑयल रिलीज ना करने लग जाए। तो मैं इसको कवर करके इसी तरह से पकने दूंगी। गैस का फ्लेम को हम मीडियम टू लो करेंगे। अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं इस तरह से ऑयल भी रिलीज़ कर रहा है। आप देखिए कितने बढ़िया से ऑयल भी रिलीज़ हो गया। और अब हम इसमें डालेंगे ये टमाटर का पेस्ट है, इसको मैंने मिक्सर में नहीं चलाए हैं, इसको मैंने बस इस तरह से कद्दूकस कर लिए थे। तो ये कद्दूकस करके डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। मुझे बहुत ज़्यादा प्यूरी नहीं चाहिए था, बिल्कुल कद्दूकस करने में हल्का सा ये थोड़ा सा दरदरा रहता है। तो बस ये टमाटर डाल के भी इसको हम अच्छे से पका लेंगे 1 मिनट तक। अभी हम इसी में थोड़ा सा नमक भी डाल देते हैं। मैंने आपको बताया नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ही इसमें डालिएगा। तो बस इसको मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये 1 मिनट हो गया पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे ये 1 कप ये फ्रेश हरा मटर है। ये आप इसको फ्रोज़न वाले से भी बना सकते हैं। फ्रोज़न वाला आप डालेंगे तो फ्रोज़न वाला जल्दी से पक जाएगा, बट अगर आप ये फ्रेश वाला हरा मटर ले रहे हैं तब भी आप इसी स्टेज में ही डालिए। बस ये थोड़ा सा 1 से 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा पकने में, कुछ नहीं है, बट पक ज़रूर जाएगा ये। तो बस इसको भी हम अच्छे से पकाएंगे। तो मैं इसको कवर करके इसको पकाऊंगी। मैं इस तरह से इसको कवर कर लेती हूँ और इसको हम पका लेंगे 2 मिनट तक। अब ये 2 से 3 मिनट हो गए, हम खोल के चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया, ये देखिए मटर भी, मैं आपको दिखाती हूँ, मटर भी कुछ सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो इस तरह से स्पैचुला में दबाते नहीं बन रहे, बट मैं दबा के चेक कर रही हूँ तो ये मुझे समझ में आ रहा है। देखिए ये आधे हो गए ना, तो ये मटर भी आप देखिए बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। अब ये जो हमने गोभी को इस तरह से फ्राई करके रखे थे, इसको हम इसमें पूरा डाल देते हैं। और इसको भी हम इस तरह से अच्छे से इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे, तो मसाले में अच्छे से ये कोट भी हो जाए। तो बस बिल्कुल हल्के से इसको हम धीरे धीरे इसको मिक्स करेंगे। तो बस इसको बिल्कुल इसी तरह से अच्छे से ही हम ये मिक्स करेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, जो हमने इसको बीच से अलग किए थे ना, इसका तरीका यही था कि इसमें अंदर से पूरे मसाले भी चले जाते हैं और अच्छे से ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं। तो बस इसको हम धीरे धीरे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट तक और इसको अच्छे से रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इसको कैसी बनानी है, आपको अगर लटपटा बनानी है या थोड़ी सी ग्रेवी वाली बनानी है, तो उसी हिसाब से इसमें पानी ऐड करना है। तो पानी भी हमें इसमें गर्म डालना है, नॉर्मल पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि इस तरह से जो हम सब्जी बना रहे हैं इसका टेम्परेचर ये अच्छा गर्म है ये, तो अगर हम ठंडा पानी डाल देंगे तो सब्जी में वो टेस्ट ही नहीं आएगा, वो अच्छा टेक्स्चर भी नहीं आएगा। तो इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। अब तो मैं ये 1.5 कप के करीब इसमें गर्म पानी ऐड करूँगी। तो मैं अच्छा गर्म पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये 1/2 कप और इसमें डाल दे रहे हैं। और इसको हम एक बार अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये हम बहुत ज़्यादा इसमें चिपचिपी वाली नहीं बना रहे, थोड़ी सी पतली बना रहे हैं, ताकि हम इसको राइस के साथ भी खा पाएँ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सबके साथ भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी, इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए। मैं कवर करने से पहले इसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देती हूँ। तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा आधी छोटी चम्मच हम ये कसूरी मेथी लिए, इसको हम डाल दे रहे हैं। इसमें मैं डालूँगी 1/2 चम्मच ये गरम मसाला है। बस इसको भी हम मिक्स कर ले रहे हैं, फिर हम इसको कवर करेंगे ताकि ये गरम मसाला भी अच्छे से इसमें ये पक जाए। तो बस इसको हमने बिल्कुल इस तरह से मिला लिए हैं। अब मैं इसको वापस से लीड लगा के इसको कवर कर देती हूँ। 3 से 4 मिनट इसको हम पकने देंगे। अभी 3-4 मिनट हो गए, हम खोल के चेक करते हैं।
तो ये आप देखिए कितनी बढ़िया ये हमारी गोभी की इस तरह से तरी वाली ये हमारी सब्जी बन करके तैयार है। गोभी मटर ये देखिए कितनी बढ़िया एकदम हमारी थोड़ी सी रसेदार वाली बिल्कुल बन करके तैयार, एकदम राइस के साथ में, पूरी के साथ, पराठे के साथ खाने के लिए बिल्कुल ये परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया, तो बस इसमें हम ये फ्रेश हरा धनिया, इसके बिना तो ये सब्जी जो है हमारी अधूरी है। और अब हम इसको सर्व करेंगे, तो हम एक सर्विंग बोल में इसको सर्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया लग रही है, आप देख सकते हैं गोभी की इस तरह से सब्जी, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, तो ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। देखिए गोभी मटर इस तरह से, देखिए गोभी भी हमारी आप देख सकते हैं मैशिंग नहीं हुई है। तो अब हम इसको इस तरह से एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे, ये खाने के लिए भी गर्मा गर्म एकदम रेडी है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, ये स्टाइल में बनाए हैं, या तो आप कह लीजिए उससे भी हमने बहुत ही बढ़िया इस तरह से तैयार करके किए। देखिए तो हम ये पूरा निकाल ले रहे हैं, तो ये देखिए ये हमारा गर्मा गर्म गोभी मटर करी बन करके तैयार, एकदम तरी वाले बन करके तैयार है ढाबे स्टाइल में। देखिए देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और बनाने में भी उतना ही टेस्टी, खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पूड़ी भी बना करके रखे हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ। इस तरह से ये हम लेंगे और ये आप देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ना, देख सकते हैं कितनी बढ़िया गर्मा गर्म हमारे ये पूड़ी गोभी, तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है ये हमारे, ये पूड़ी के साथ में, पराठे के साथ में, रोटी के साथ में, इनफैक्ट राइस के साथ में भी बहुत ही बढ़िया लगता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आए होंगे, वीडियो अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिए। एक बार मैं आपके लिए फिर से नई रेसिपी के साथ मिलती हूँ, बाय बाय।